आज हम घर की थोड़ी सी चीजों में से 20 मिनट में कढ़ाई में बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा खस्ता बिस्किट। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में आपका बनेगा ही बनेगा और आप इन कुकीज नान खटाई को एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी बच्चों के लिए जरूर बनाएं, परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आप पहले कोई नाप एक सेट कर लें, कोई चाय कप या फिर कटोरी या फिर मेजरिंग कप, सभी चीजों का नाप आप एक ही बर्तन से करें। तो इस नान खटाई को हम घी में बनाएंगे, तो इसी तरीके का जमा हुआ घी होना चाहिए। तो एक बाउल में डालिए आधा कप जमी हुई घी, अगर आपकी घी पिघली हुई है फ्रिज में 10 मिनट रख करके जमा लीजिएगा, इसी तरीके का जमा हुआ होना चाहिए। आप वनस्पति घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और आप चाहे तो घी के बदले बटर में भी बना सकते हैं। और अब एक स्ट्रेनर रखिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप पीसी हुई चीनी, चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए, तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। और अब हम चम्मच या विस्कर से अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देखिए अभी आपको क्रीम कलर दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप फेटिएगा ना, 2-3 मिनट के बाद आपको व्हाइट कलर की दिखेंगे। तो देखिए करीब 2-3 मिनट तक फेट लिया है और वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है और थोड़े हल्के भी हो चुके हैं। और अब हम डाल देते हैं 1 कप मैदा, तो मैदा को भी आप छान के ही लें। तो 1 टी कप मैदा लिया है, उसका हमें 1 भाग लेना है बेसन, यानी कि 1/4 टी कप बेसन। तो दोस्तों मेजरिंग कप का नाप क्या होगा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा हमें सूजी लेना है, टेबलस्पून के नाप से 2 चम्मच। तो सूजी डालने से नान खटाई खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। और अब डाल दीजिए 1 चुटकी नमक, अगर आप बटर में बना रहे हैं तो नमक ना डालें। अब सभी चीज़ों को छान लीजिए। तो बिस्किट बहुत ही खस्ता और जालीदार बने इसलिए डाल दीजिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, मेजरिंग टीस्पून से भी 1/2 टीस्पून दोस्तों, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छे फ्लेवर के लिए हरी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दें। और अब हम चम्मच से ही पहले हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। मिलाने के बाद अब बहुत जरूरी है कि हम हाथों से मिक्स कर लें। हम धीरे धीरे समेटते हुए डो लगा लेते हैं। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक से बंध पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे बिस्किट का डो बनने लगा है। तो देखिए मैंने जरा भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपका ड्राई है डो तो 1-1 चम्मच करके 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। तो हाथों में लेके दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से आ गया। और अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रखते हैं ताकि डो थोड़ा सेट हो जाए, तब तक हम कढ़ाई को प्रीहीट करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, वैसे बर्तन का आप इस्तेमाल कीजिए जिसका तला भारी हो। आप भारी तले का गहरा बर्तन यानी भगोने भी ले सकते हैं। तो हम बिना ओवन का बना रहे हैं इसलिए बिस्किट बिल्कुल भी ना जले, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम नमक का इस्तेमाल कीजिए। आप यहाँ पे बालू और रेत भी डाल सकते हैं, ऐसे बराबर से हीट पड़ेगा। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं 1 स्टैंड, आप कोई रिंग भी रख सकते हैं या प्लेट रख सकते हैं। और अब हम बहुत ही अच्छे से कवर कर देंगे, आप कोई भगोने से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्लास लेट से कवर करूँगी ताकि मैं आपको दिखाती रहूँ कि बिस्किट किस तरीके से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है, तो अगर होल छोड़ दीजिएगा तो सारे स्टीम बाहर आ जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है आटे को इस तरीके से गूँथ लीजिए गीला सा ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और अब हम 8-10 मिनट के लिए लो टू मीडियम या फिर मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से तंदूर जैसा गर्म कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है और अब हम इस तरीके का चम्मच लेंगे, आप वैसे हाथों से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से प्लास्टिक कंटेनर जो हम किचन में रखते हैं उसमें इसी तरीके का स्पून होता है दोस्तों, तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेजरिंग 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। हम इतने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो सभी को गोल कर लिया है और अब हम हल्के हाथों से इस तरीके से अच्छे से चिकना बॉल बना लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक स्टील का प्लेट लिया है, थोड़ा मोटा ही प्लेट लीजिएगा, पतला प्लेट बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। तो मेरे कढ़ाई में यही छोटा प्लेट आ रहा था दोस्तों, हल्की थाली का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो आप बिना बटर पेपर लगाए भी बिस्किट को बेक कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर लगाने से क्या होता है बिस्किट के पीछे बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं आता है। और अब हम बिस्किट के बॉल को
इस तरीके से रखते हैं। तो एक बार में जितना आ जाए उतना रखें। और अब हम उंगली की सहायता से हल्का सा दबाव दे देते हैं। अब जहाँ हमने दबाव दिया था ना सेंटर पे, वहाँ पे हम थोड़े थोड़े काजू, बादाम, पिस्ते या फिर जैम भी आप फिल कर सकते हैं। पिस्ते लगाने के बाद हाथों से हल्का सा दबाव दे दें ताकि सेट हो जाए। और अगर आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते दोस्तों, गेहूं के आटे से बनाना चाहते हैं, तो बिस्किट का बॉल छोटा रखिएगा और बिस्किट का पेड़ा और भी ज्यादा पतला फैलाइएगा। तो हम दो बैचेस में बनाएंगे। चलिए फटाफट बेक करने के लिए रखते हैं। इधर 10 मिनट भी हो चुका है, हम तुरंत लेड हटाएंगे और सावधानी पूर्वक बिस्किट की प्लेट को रखते हैं। ये काम आपको फटाफट करना है ताकि स्टीम अंदर ही रहे, तुरंत लीड लगा लीजिए। तो बिल्कुल धीमी आंच पे बिना चेक किए हम 20 मिनट तक बेक कर लेते हैं। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे 15 से 18 मिनट तक बेक कीजिएगा। तो इसी तरीके से बेक होने दे, किस तरीके से बिस्किट बेक हो रहा है मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो 20 मिनट हो चुका है, बिस्किट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कढ़ाई में बना रहे हैं, इसलिए कलर ऊपर से बिल्कुल भी ओवन की तरह नहीं आएगा। जब आपको बिस्किट में हल्का हल्का क्रैक दिखने लगे और जब आपको किनारे से हल्का हल्का कलर दिखने लगे तो समझ लीजिए बिस्किट पक चुकी है। इससे ज्यादा अगर आप कलर लाने के लिए पकाइएगा तो बिस्किट डार्क कलर की हो जाएगी नीचे से भी। तो अभी आप बिस्किट को छुइएगा तो बहुत सॉफ्ट लगेंगे और बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लें। जैसे ही बिस्किट थोड़ी ठंडी होगी ना तो खस्ता हो जाएंगी। तो 5 मिनट हो चुका है, बिस्किट अभी भी हल्के गर्म है। तो अगर आपके बिस्किट में इस तरीके से क्रैक नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। जब पुराने हो जाएंगे तो ऐसे क्रैक नहीं आएंगे। तो आप प्लेट भी देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ है। तो बस हम सभी को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सेकंड बैच बेक कर लेंगे। और जब पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब आप एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 पीस कुकीज बन जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने खस्ता है और आप बिस्किट में छोटी छोटी जाली देख सकते हैं। तो आप नीचे से देख सकते हैं किस तरीके से बेक हो रहा है और अंदर भी आप देख सकते हैं, कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं दिख रही है। जब अच्छे से पकेंगी तभी खस्ता होंगी, अगर नहीं पकेंगी तो बिस्किट सॉफ्ट हो जाएंगे। और एक बार बना के देखें।